अकोलिया और मलशा दोनों एक दूसरे के साथ एक ऐसा संबंध साझा करते हैं जिसमें टोल न केवल इस तथ्य के माध्यम से उजागर कर सकते हैं कि लड़कियां एक साथ पोखर में खेल रही हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि दोनों लड़कियों के कपड़े कैसे हैं। वे दोनों फ्रॉक पहने हुए हैं कि वे गंदे होने की इच्छा नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी माँ उन्हें डांटेगी यह भी दिलचस्प है कि मलशा को डर है कि पोखर कितना गहरा होगा प्रतीकात्मक रूप से यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि पोखर की अज्ञात गहराई से अज्ञात गहराई जो कि अकोला और मलशा के माता पिता को होती है विवाद को हल करने के लिए जाएगी मलौशा की घटना अकोला की फ्रॉक को छिटकने की घटना के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा गांव किसी ऐसी चीज को लेकर रूहा पोह में है जो बहुत मामूली सी लगती है यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि टोल्सटॉय सुझाव दे सकते हैं कि कई बार लोग मामूली या मूर्खतापूर्ण चीजों पर दूसरों के साथ गर्म और शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर सकते हैं जो कहानी में बहुत है यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि टोल्सटॉय कभी भी माता पिता में से किसी का नाम नहीं लेते क्योंकि उनका सुझाव है कि सभी माता पिता के पास प्रतिक्रिया करने की क्षमता है जैसा कि कहानी में है चाहे वह गांव, कस्बा शहर आदेश क्यों न हो माता पिता अपने बच्चे की रक्षा करेंगे और कई बार नकारात्मक प्रतिक्रिया करेंगे कुछ ऐसा होता है जब अकोलिया की माँ मालाशा की गर्दन पर वार करती है यह अकोलिया की मां की प्रतिक्रिया है जो स्थिति को बढ़ाती है और जब मामला अकुलाया और मलशा की माताओं द्वारा हल नहीं किया जाता है तो उनके पिता हस्तक्षेप करते हैं जबकि गांव के लोग विस्मय में देखते हैं यदि माता पिता के दोनों सर अकोलिया और मलशा की तुलना में अधिक बचकाना अभिनय कर रहे हैं फिर भी उस समय वे इस तथ्य के कारण नहीं पहचानते हैं कि जो कुछ हुआ है उस पर वे क्रोधित हैं जो फिर से पाठक को याद रखना चाहिए एक छोटी सी घटना है जो उस दुश्मनी के लायक नहीं है जिसे मुद्दा दिया जा रहा है तथ्य यह है की अकोलिया की माँ मलशा पर हमला करती है यह भी सुझाव दे सकती है कि अकोलिया की मां बहुत दूर चली गई है वह इस तथ्य पर मालशा को मारने के अपने फैसले को आधार बना रही है कि अकोलिया ने अपनी मां को बताया है कि मालशा ने जो किया है वह उद्देश्य से किया गया था जब हकीकत यह है कि एक दुर्घटना थी तथ्य यह है कि टेम्परेचर पूरी कहानी में गर्म होते हैं और इस तथ्य की सच्चाई है कि जो कुछ हुआ है उसका सत्य हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है जैसा कि टोल्स सुझाव दे सकते हैं कि जब लोग गुस्से में होते हैं तो तर्क के मूल कारण को भूल सकते हैं मालशा से पूछने के बजाय उसने जानबूझकर अकोला के फ्रॉक के सभी प्राणियों को बहस करने और एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए छीनता मारा कहानी के एक पक्ष अकोलिया पर विश्वास करना यह भी दिलचस्प है कि कहानी में व्यावहारिक रूप से प्रतीत होने वाले केवल दो लोग हैं अकोलिया जो अपनी फ्रॉक और अकोलिया की दादी को कारण की आवाज़ बताकर सफाई करते हैं हर कोई एक तर्क में खो जाता है जिसे होने की आवश्यकता नहीं है कोई भी घायल या घायल नहीं हुआ है जो कुछ हुआ है वह यह है कि अकोला की फ्रॉक गलती से पोखर के पानी से गंदी हो गई है कहानी के दौरान अधिकांश पात्र एक दूसरे के साथ संघर्ष में हैं और क्योंकि उन्होंने नियंत्रण खो दिया है यह समझ में नहीं आता है कि अकोलिया की फ्रॉक पर पानी की घटना कितनी मामूली है कहानी का अंत भी दिलचस्प है क्योंकि अकोला और मलशा दोनों एक दूसरे के साथ खेलना जारी रखते हैं इस तथ्य के बावजूद कि हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है इससे न केवल यह पता चलता है कि दोनों लड़कियों के बीच एक सामान्य बंधन या संबंध है बल्कि अभी उजागर हो सकता है कि लड़कियां अकोला की फ्रॉक पर छींटे पानी की घटना को अपनी दोस्ती को खत्म नहीं होने देंगी सब कुछ के बावजूद वे अभी भी दोस्त हैं, हालांकि अकुलाया और मलशा के माता पिता के लिए भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है यह केवल तब होता है जब अकोलिया की दादी हस्तक्षेप करती है कि दोनों लड़कियों के माता पिता को एहसास है कि वे गलत हैं। दो दोस्तों के बीच एक छोटे से तर्क को लड़कियों द्वारा लंबे समय से भुला दिया गया है फिर भी गांव के पुरुष इस घटना पर बहुत आक्रोशित है टॉलस्टॉय ने प्रकाश डाला कि एक छोटी सी घटना कितनी जल्दी गंभीर रूप से बढ़ सकती है यह दादी के चरित्र के माध्यम से भी है जो लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे से लड़ने के बारे में जानते थे कि वे जो कर रहे हैं उसमें शर्म की बात है न केवल वे अपने बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित नहीं कर रहे हैं बल्कि वे अपने पड़ोसी से लड़ने के लिए तैयार हैं। जब वास्तविकता यह है कि किसी को चोट नहीं पहुंची है और एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है माता पिता के दोनों अकोलिया और मलशा से सीखने के लिए अच्छा करेंगे जिस तरह से घटित हुआ उसके बावजूद वे मित्र के रूप में बने रहे तो माता पिता को भी चाहिए जज के रूप में त्वरित होने के बजाय कोलिया की मां टोल का सुझाव है कि लोगों को प्रतिक्रिया देने से पहले कदम पीछे करना बेहतर होगा सारांश का अंत धन्यवाद